दोस्तों, काटा बाजार यूट्यूब टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि काटा जो भागता है, काटा जो रन होता है, वो किस वजह से होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, चेक करके नहीं बताऊंगा कि क्या क्या वजह होता है, क्योंकि अभी मेरे पास वैसा मशीन है नहीं कि मैं आपको चेक करके बताऊँ फिलहाल में क्या क्या वजह होते हैं। अगर ये आप चेक कर लेंगे तो 90-95% है कि आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, क्या होते हैं, जैसे बड़े काटे हैं, अगर 50, 100, 200 प्लेटफॉर्म जो भी काटे हैं, जिसमें लोड सेल में कनेक्टर लगता है। कनेक्टर मीन्स ये अगर कनेक्टर लगता है लोड सेल में, तो सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना है कि इसमें जो चार वायर लगे हैं वो प्रॉपर लगे हैं कि नहीं। उसके बाद में जो इंडिकेटर में यहाँ पर लगा है, इसको भी चेक करना है कि ये चारों वायर प्रॉपर लगे हैं कि नहीं। और ऐसे भी कनेक्टर हो सकते हैं या अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ज़्यादातर उसमें कार्बन के वजह से या मॉइस्चर के वजह से दिक्कत आने लगता है, इसके वजह से भागता है हमारा काटा, रुकता नहीं है। उसके बाद अगर आप ये चेक करते हैं तो भी नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं जहाँ पर लोड सेल का कनेक्टिविटी है। उसके बाद मल्टीमीटर से आप ये चेक कर सकते हैं कि लोड सेल बराबर है कि नहीं, इसका रजिस्टर का गेन रजिस्टर का वैल्यू बराबर है कि नहीं। लोड सेल चेक करने के लिए दोस्तों मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं मेरे, और हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि लोड सेल चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अभी ये और ये चीज़ आपको समझ में आ गया चेक करना है। दूसरा, आप यहाँ से मल्टीमीटर से उसका वैल्यू चेक कर लीजिए लोड सेल का। दूसरा दोस्तों, कैसा है कि कभी कभी हमारा जो ये ट्रांसफार्मर होता है, इसका अगर वोल्टेज बराबर मदरबोर्ड में नहीं जाता है, इस वजह से कभी कभी काटा प्लस या माइनस में होता है। तो इसके जो दो वायर होते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड में लगे हुए हैं, डीसी करंट होता है इसमें। ये आप 750 मल्टीमीटर पे जाके चेक करिए, ये आपका 10, 11, 12 है, ये 10 बता रहा है, 10 वोल्टेज बता रहा है तो भी ठीक है चलेगा, 11, 12 बता रहा है तो भी चलेगा। 1 एम्पियर 12 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर चेक कर ले। उसके बाद दोस्तों, बैटरी का दोनों कनेक्शन निकाल के लाइट पे डायरेक्ट लगा के चेक कर लें कि ये निकालने की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो आपका वायर कनेक्टर हो गया और इसका वायर हो गया, गेन का वैल्यू। उसके बाद ट्रांसफार्मर हो गया कि ट्रांसफार्मर आप मल्टीमीटर 750 पे रखिए वोल्टेज पे, और उसका वोल्टेज चेक करिए कि कितना वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, बैटरी का दोनों कनेक्शन निकाल के बैटरी का भी वोल्टेज चेक कर लो आप, कितना बता रहा है। अगर आपको ये सब कुछ सही सही बता रहा है तो मदरबोर्ड का आप जो +5 वोल्ट ये आता है, आपका +5 वोल्टेज आता है, वो चेक कर लीजिए। हर मदरबोर्ड में अलग अलग जगह पर होता है, फिलहाल आपको दिखा दूँ, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट में +5 है, फर्स्ट में ग्राउंडिंग है, उसके बाद +5 है। मल्टीमीटर से चेक करेंगे, अगर यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है प्रॉपर, तो समझिए मदरबोर्ड भी सही है। तो बीच में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगा, उसके लिए आप पूरा मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने का मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि अगर +5 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है तो दिक्कत किस चीज़ का आ रहा है उसमें, जो जिसकी वजह से काटा भाग रहा है। बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं, पर इन सारे चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो 80-95% है कि आपको पता लग जाए कि दिक्कत क्या है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी है तो आप एक एक चीज़ को चेक कर सकते हो। जैसे कि आप लोड सेल लगा हुआ है आपका, लोड सेल का कनेक्टर आपका चेक हो गया है, उसके बाद आपको चेक नहीं करना है, तो आप बेसिकली जो है मदरबोर्ड लगा के चेक कर सकते हो, उससे मालूम पड़ जाएगा। अगर मदरबोर्ड सही रहेगा, ख़राब रहेगा तो काटा प्रॉपर हो जाएगा, अगर मदरबोर्ड ख़राब नहीं रहेगा, सही रहेगा, तो वो दूसरा मदरबोर्ड नया भी आपको लगाने पे रन करेगा, इसका मतलब लोड सेल में कुछ तकलीफ होगा, वो लोड सेल चेक कर लीजिए। 100% कोशिश है कि आपका काटा सही हो जाएगा जो रन करता है।
दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।